कई लोगों को मालूम ही नहीं कि एनाकोंडा और पाइथन में अंतर क्या है, और लास्ट में बताएंगे कि इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन सा है। पाइथन जो होते हैं ये बहुत से कलर के पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड। लेकिन जो सबसे बड़ा पाइथन है रेटिकुलेटेड पाइथन, उस पर डायमंड शेप के डिजाइन होते हैं। वही दूसरी तरफ एनाकोंडा की बात करें तो ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ा एनाकोंडा है, जिसका कलर डार्क ग्रीन है और ऊपर अंडे शेप के काले धब्बे भी है। सामने से देखने पर आपको एनाकोंडा का मुंह राउंड दिखेगा और इसकी आंखें ऊपर होती है, जिससे कि पानी में कर भी बाहर देख सकता है। वही रेटिकुलेटेड पाइथन का मुंह लंबा होता है और इसकी आंखें भी साइड में होती है। लंबाई की बात करें तो एवरेज रेटिकुलेटेड पाइथन एनाकोंडा से लंबे होते हैं। वही एनाकोंडा पाइथन से ज्यादा मोटे और मस्कुलर होते हैं, इसलिए ताकत के मामले में तो एनाकोंडा की जीत होगी। इनमें समानता भी काफी है, जैसे दोनों ही नॉन वेनमस होते हैं और दोनों के ही दांत ग्रिप बनाने के लिए पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। इसलिए अगर ये एक बार अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और वो ज्यादा झटपटाता है तो इनके दांत और अंदर